हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जय असम और असम के सभी असम वासियों को मेरी तरफ से हैप्पी रंगाली बिहू। और असम में अभी ये जो परंपरा है बिहू का, ये एक फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है असम के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता रहा हूँ मैं, जिनको पता है उन लोगों को वेरी गुड। और बिहू के चलते असम ने एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड का जो छोटा सा क्लिप है मेरे पास, वो मैं आपको वीडियो के एंड में लगा दूंगा। और बिहू के सिलसिले में अपने दोस्त के घर पे एक जो सरप्राइज जा रहा हूँ कि उसको पता नहीं मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बिहू के उपलक्ष्य में मैं उनके घर जा रहा हूँ, तो वीडियो पे बने रहना, आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं, मौसम काफी साफ है और हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है। और आपको आसपास के जो नज़ारे, जो ग्रीननेस है, जो हरा भरा है, तो दिखाई दे रहा है। असम में तो आपको पता ही है, पूरा हरा भरा एरिया है, तो वो वीडियो में भी साफ झलक रहा है। तो आप इंजॉय कीजिए हमारा राइड। हम लोग थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो मैं वीडियो को आपको शॉर्ट करके दिखाऊँगा, उसका टेंशन ना लो आप। रोड को मैं पूरी तरह से अपने रील से कट आउट। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट की दूरी पे है घर। लेकिन एक बात है कि अगर घर पे नहीं मिला तो पोपट हो जाएगा, क्योंकि उसको हमको हमने इन्फॉर्म नहीं किया है। बिना इन्फॉर्म में हम लोग आए हैं, तो मिलेगा तो रिएक्शन अच्छा रहेगा, नहीं मिला तो पोपट हो जाएगा। जैसे घर पे एंटर करते हैं लोग अपना रोजाना का नाश्ता, अब हमारा स्वागत होता है यहाँ पे बढ़िया से। और इन लोगों का परंपरा जो है बड़ों से आशीर्वाद लेना, तो यहाँ पे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं अपने से बड़े से। बिहू में आशीर्वाद दिया जाता है ताकि जीवन में कुछ कर सके, उनके आशीर्वाद हमेशा हमें साथ होना चाहिए। पेरेंट्स के आशीर्वाद, अपने बुजुर्ग, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते जीवन में, तो ये जरूरी होता है। আমি আধুনিক ভাপত হয় একদম মজা মজা লাইফটো পাই কৰিব লাগিব অহা বছৰ চেম আৰু এইবাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। আশীৰ্বাদ হ'ব তো হতে ৰহেগা। মেৰা চাই আ চুকা হে তো হম চাই পে ফোকাস কৰতে হে। और इधर बच्चे जो अंडे तोड़ने के कॉम्पिटिशन पे लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी मज़ेदार गेम है। ठीक है, कभी आपने ट्राई किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बच्चे यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं, तो हम लोग खाना खाने का टाइम भी हो चुका है, तो हम लोग के पास खाना आ गया। और ट्रेडिशनल स्टाइल से पत्ते पे खाना खा रहे हैं, तो कि पूरा ट्रेडिशनल फील लेने के लिए मज़ा आ रहा है। और परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। एक साथ बैठ के हम लोग सारे यहाँ पे खाना का आनंद ले रहे हैं, मस्त खाना खाना खा के। हम लोग, जो मेरा दोस्त है उसका बेटा ढोल बजाना सीखा है, उसका ढोल बजाते हुए देख के उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस निकल जाएंगे। Yeah.
हम लोग निकल चुके घर के लिए और सबसे मिलकर काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी 2-3 साल के बाद मिला हूँ तो काफ़ी इन्जॉय भी किया और वीडियो बनाना भी छोड़ के मैंने इन्जॉय किया। तो चलिए घर निकलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स घर पहुँच चुके हैं और रात हो चुकी है। आज का दिन काफ़ी अच्छा था और दोस्त के साथ काफ़ी सालों के बाद मिला तो बहुत मज़ा आया। पूरा फैमिली के साथ इन्जॉय किया और कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी था जिसका सारे वीडियो पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया जिससे मुझे कट करके वीडियो बनाना पड़ा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते आप लोग को बता दूँ फिर से हैप्पी बिहू, जॉय आए।